Gurudev, today's youth love going to the gym, and the gym instructors recommend them to have protein supplements and even eggs and meat. Gym instructors have a strong influence on the youth. What can we do in this situation? I think they are a little bit outdated in their knowledge. They should study the latest research, latest findings, update themselves with the scientific, data of today. It's just a myth that only meat can bring you protein. It's totally a myth. See, horse has so much power, it's only vegetarian. Elephant, have you seen our elephant here? Tremendous power it has. Ye haathi ko dekhe, ghode dekhe, bhains dekho, gaay dekho, bail dekho, sab sare ke sare vegetarian hai. और हमारा सिस्टम शाकाहार के लिए बना है, इसलिए वो गलत है. वो ऐसे सोचना नहीं तो तुम्हारा मसल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं. आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओलंपिक्स में जाते हैं, वो लोग सब शाकाहारी होते जा रहे हैं दुनिया में, बल्कि वहाँ वीगन बनते जा रहे हैं. वीगन माने दूध भी नहीं लेना, मक्खन भी नहीं लेना. मैं उसका रेकमेंड नहीं करूँगा, जबकि वीगन अच्छा है, मगर भारतीय के लिए वीगन, यहाँ की जो दूध है A2 मिल्क वीगन जैसा ही है, वो ठीक है. क्या है, विदेश में जो A1 मिल्क होता है ना, A1 दूध, वो सूट नहीं करता, उससे वो शरीर में पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होता. मीट जैसा ही है, वो मीट पूरा शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होगा. मीट प्रोटीन, A1 मिल्क इज मीट प्रोटीन. सो मैनी पीपल हैव एलर्जीज, मैनी पीपल हैव ऑल द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मगर A2 मिल्क इज सेम एज मदर्स मिल्क. इसीलिए कहते हैं भारत की जो जो गाय है, ये अभी ब्राज़ील में ले जा रहे हैं भारत की गाय फॉर A2 मिल्क. ये सब बातें पता है आप लोगों को भाई, गुरु से वही पूछे जो गूगल में नहीं मिलता है. बाकी तो गूगल से तुम्हें को मिल ही जाएगा. हाँ.